अगर आपको रिलेशन निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का और फोर्स का, ऐसा क्यों? देखो जब भी मैं वर्ड बोलता हूँ कंजर्वेटिव, तो अगर आप कंजर्वेटिव वर्ड पे ध्यान दोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप ग्रेविटी पे ध्यान दो, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स, अपने मन में एक एग्जाम्पल छाप लो ग्रेविटी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, बात ही खत्म हो गई। ठीक, तो मान लो कंजर्वेटिव यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मेरे को क्या रिलेशन निकालना है? मेरे को रिलेशन निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स का, यानी कि ग्रेविटी की फोर्स जो कि वेट होती है, ग्रेविटी की फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटे एग्जांपल से लेते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट लिया और मैंने उस ऑब्जेक्ट को, मान लो इसका मास m है, यहां से यहां ले आया, आज हमने किया। अब इसके अंदर मैं जो डेफिनेशन बनाऊंगा उसमें वर्क डन ग्रेविटी से ही करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। अगर मैं ये बोलता हूं कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो वर्क डन कर रही है, तो ऑब्वियसली अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो देयर मस्ट बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप मुझे सिंपल लैंग्वेज में ये बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया तो आपको लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो ग्राउंड पे। बोलो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मान लो एच हाइट पे चला गया, कितना? एम जी एच, मानते हो चीज? अच्छा ये बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके पास क्या आएगा? एम जी एच। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो देयर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप ग्रेविटेशनल के पुल में, ग्रेविटेशनल में फोर्स लगाओगे और ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाओगे, तो ऐसे केस में वर्क डन तो करना पड़ेगा, ऐसे केस में एनर्जी भी चेंज होगी। तो हमने आधा पार्ट तो कर लिया, एनर्जी चेंज हो गई। अब अगर मैं ये पूछूं कि किसकी बात हो रही है, आपने कहा ग्रेविटेशनल की, मैंने कहा क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हमने क्या लिया? ग्रेविटेशनल की फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया बताओ? ग्रेविटी की फोर्स हमेशा कहाँ लगती है? नीचे। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? एम जी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुई है? ऊपर। एम जी इंटू एच इंटू कॉस ऑफ कितना? 180। तो आंसर क्या आएगा? माइनस एम जी एच। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर ग्रेविटी ने काम किया जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, मैं ये तो नहीं कह सकता दोनों बराबर है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये चेंज पॉजिटिव एम जी एच और ये क्या है? ये नेगेटिव है। हाँ वो अलग बात है कि अगर मैं अपना वर्क डन निकालता फिर ठीक था, अपना वर्क डन में वर्क डन इज इक्वल टू एम डेल्टा यू सही था, पर अगर मैं ग्रेविटेशनल पुल से काम करवा रहा हूँ तो माइनस का फर्क आएगा, कि मेरे और ग्रेविटी के अंदर भी तो नेगेटिव का फर्क होता है, हमने डिस्कस किया था। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ग्रेविटेशनल ने वर्क डन किया एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई, तो ऐसे केस में डेल्टा यू डब्ल्यू के इक्वल तो होगा नहीं, लेकिन डेल्टा यू किसके इक्वल होगा? मेरे इक्वल तो होगा। मेरा का मतलब जो मैं काम करूंगा, कि मेरा काम तो पॉजिटिव होगा ना ऊपर ऑब्जेक्ट लेके जाने में। अब ये बताओ कि मेरे वर्क डन में और ग्रेविटी के वर्क डन में किसका अंतर होता है? नेगेटिव का। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि ये तो वर्क डन जी ग्रेविटी का है, तो अगर आपने पूछा सर आपका क्या वर्क डन है, तो मैं आगे क्या लगा दूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव लगाने से वर्क डन मेरा बन गया, नेगेटिव नहीं लगाऊंगा तो ग्रेविटी का वर्क डन है। ऐसे ही होगा जैसे ग्रेविटी ने वर्क डन किया माइनस एम जी एच, आप पूछे सर आपने कितना वर्क डन किया, भाई मैं इसको पॉजिटिव करके बोल दूंगा क्योंकि मेरी फोर्स भी ऊपर है, मेरी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। तो मेरे वर्क डन में और ग्रेविटी के वर्क डन में नेगेटिव का अंतर आएगा ही आएगा। तो डेफिनेशन बनाने वाले ने क्या किया, वो कहता देखो काम तो कराएंगे ग्रेविटी से, क्योंकि फोर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं कंजर्वेटिव, वो ग्रेविटी की फोर्स है, तो काम तो कराएंगे ग्रेविटी से, पर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल अगर करना है तो साइन क्या लगाएंगे? नेगेटिव। तो अब ये वर्क डन मेरा हो गया माइनस लगाने के बाद, ये इक्वेशन यानी कि वैलिड है। तो कहने का मतलब अगर कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाले और वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाले, उसमें माइनस का अंतर आएगा, लेकिन अगर आप इन्हें इक्वेट करना चाहते हो तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा ताकि माइनस का अफेक्ट यहां से क्या हो जाए? कैंसल। तो अब चेक करो डेल्टा यू किसके इक्वल है? एम जी एच। वर्क डन किसके इक्वल था ग्रेविटी का? माइनस एम जी एच। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब ये बराबर हो गए। इस बात को समझाने के लिए उसने कहा कि अगर मान लो ग्रेविटी की फोर्स वर्क डन करती है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ब्रैकेट में एक्स का मतलब एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, एफ यानी कि एक्स पोजीशन पर डिपेंड करती है, आप एक्स को छोड़ो एफ,
तो ग्रेविटी की फोर्स एफ है जिसे वर्क डन किया, डेल्टा यू से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो बाय डेफिनेशन आपकी बुक्स लिखती हैं ये इक्वेशन वैलिड है, पर मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि कैसे वैलिड है, क्योंकि एग्जांपल से हमने देखा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव का अंतर था, वो अंतर खत्म करने के लिए इक्वल टू लगाने के लिए मैंने यहाँ साइन क्या लगा दिया, माइनस। तो ये पहला स्टेप है। हाँ, इसमें ये भी लिख सकते हो ये वर्क डन बाय क्या है, ग्रेविटी है, मेरा नहीं है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है। तो ये पहली इक्वेशन आपकी बुक्स में ऐसी लिखी होगी। फिर उसके बाद आगे भी सॉल्व किया होगा, वो कहते हैं डेल्टा यू को लिख लेना यू एफ माइनस यू आई चलेगा। फिर वो कहते हैं काम करो, याद करो पहला लेक्चर जब हमने वर्क डन किया था, वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन बनाई थी एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो कहते हैं काम क्यों नहीं करते, इस वर्क डन को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा यू क्या आएगा, माइनस, अब ये पूरे का पूरा यहाँ आएगा। तो कहता है देखो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तैयार हो गई, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है माइनस एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन, लेकिन ये फोर्स किसकी है, ग्रेविटी की फोर्स है, मेरी फोर्स नहीं है, क्योंकि दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, तभी तो अफेक्ट्स माइनस माइनस कैंसिल होकर डेल्टा यू आएगा। तो ऐसा कुछ समझाया हुआ है, है कुछ नहीं, वो एग्जांपल को लेके ये बनाया, वर्क डन की डेफिनेशन जो हमने की थी वो पुट कर दी। तो कहता है जी पोटेंशियल एनर्जी की ये डेफिनेशन है, अब वो यूज हो ना हो वो आप देखो, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा यूज होने वाला है नहीं, चिंता ना करो। अब इसमें डेल्टा यू आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन है। अगर मैं दोनों साइड की डिफ्रेंसिएशन करूँ तो डेल्टा यू डी यू में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स, और डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के अफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ एफ। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट करके ये इक्वेशन आएगी, आपने करनी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, नहीं करनी है आपने, ये मैथ्स में प्लस टू के टीचर सिखाएंगे आपको, नहीं करना। तो ये इक्वेशन आएगी, आपको क्या आएगा फिर पेपर में, क्या लिखना आएगा ना, बिल्कुल लिखना नहीं आएगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, नोट करें फॉर्मूला, कि अगर एफ कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर एफ कंजर्वेटिव फोर्स है, चाहे वो स्प्रिंग की फोर्स है, चाहे ग्रेविटी की फोर्स है, कोई फोर्स है, और एनर्जी का चेंज कितना है डी यू, स्मॉल एनर्जी का चेंज है, फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने से एनर्जी का चेंज डी यू आता है, तो फोर्स और चेंज एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, आपको सीधा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आएगी। आपको वो कहेगा कि मान लो आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उस कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी की वैल्यू 2x स्क्वायर है, तो एनर्जी x के साथ क्या कर रही है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है। तो बताओ कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आप क्या करेंगे, क्योंकि वर्ड कंजर्वेटिव है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू की वैल्यू क्या है इसमें 2x स्क्वायर, तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2x स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है 2x, तो आंसर क्या आएगा माइनस 4x। तो यानी कि एनर्जी से फोर्स की कैलकुलेशन एक सेकंड में हो जाती है अगर फोर्स कंजर्वेटिव है। तो ये शॉर्टकट याद कर लो कि अगर आपको u गिवन है और आपको u से क्या निकालना है, f निकालना है, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, जैसे और बेटर एग्जांपल, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर दी मैंने, छोटा छोटी बात कर लेते हैं। देखो अगर आपकी एनर्जी mgh है, अगर आपकी एनर्जी किसी भी पॉइंट पर mgh है, एच के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, तो यू की वैल्यू एम जी एच है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ग्रेविटी की फोर्स कितनी है, तो ग्रेविटी की फोर्स में फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस डी यू बाई डी एच, क्योंकि वेरिएबल इसमें एक्स थोड़ी ना है, एक्स की जगह इसमें एच कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, डी बाई डी एच ऑफ यू, यू की जगह क्या पुट करेंगे, एम जी एच, तो एम जी बाहर आ गया, डी एच बाई डी एच क्या है 1, तो आ गई ना ग्रेविटी की फोर्स माइनस एम जी, एम जी जो भी होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे एनर्जी में से फोर्स को बाहर निकालना है, फोर्स में एनर्जी को बाहर निकालना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हम यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे ये रिजल्ट बताना है, एक तरीका था छोड़ो सारी बातें, लिख लो फॉर्मूला बुकलेट में, आ गया आंसर। दूसरा तरीका है ये रिजल्ट कैसे आया, यहाँ से आया, और ये रिजल्ट कहाँ से आया, यहां से आया, और ये कहां से आया, यहां से आया, और ये कहां से आया, मेरे उस पत्थर वाले एग्जांपल से आया। तो सिर्फ समझने के लिए बताया कि इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको इसमें कुछ नहीं करना,
आपको इसमें सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं करना, आएगा तो क्वेश्चन इस पे आएगा, बात खत्म। फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो, फॉर्मूला बात खत्म। इसको स्कूल के लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं आता इसमें से, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब इसको बोला कैसे जाता है, और इसमें ये कंडीशन है कि फोर्स शुड बी कंजर्वेटिव। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी यू मे बी डिफाइंड एज अ, अच्छा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, सिंपल जो फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या है, डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स को मैथ्स के लोग क्या बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएट किया यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, फिजिक्स के लोग ऐसे ही बोलते हैं, वो बोलते हैं एनर्जी को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, लेंथ ना, डिस्टेंस ना। तो कोई भी चीज को विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिस्टेंस जब डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट ले लिया एनर्जी का। जैसे प्रेशर को लेंथ से डिवाइड किया प्रेशर ग्रेडियंट, एनर्जी को लेंथ से डिवाइड किया एनर्जी ग्रेडियंट। तो एक्चुअल में ये क्या कैलकुलेशन हुई, एनर्जी ग्रेडियंट। तो डिफाइन किया क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी यू। तो डी यू बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी यू। तो पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है,